कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया था? अभी और प्रज्ञा की जोड़ी कितनी क्यूट लगती है ना। हाँ। मैंने तो ऐसी जोड़ी पहले कभी देखी ही नहीं। जो कपल एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। सही कहा तुमने, अभी प्रज्ञा से बहुत प्यार करता है क्योंकि नशे में इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। प्रज्ञा अभी को लेकर कहाँ गई? जिस तरह अभी कह रहा था उसे प्रज्ञा का बच्चा चाहिए, मे भी वो अपनी विश पूरी करने गए हो। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? आज ही अभी और प्रज्ञा एक बच्चे के माँ बाप बन जाएंगे। इंसान नशे में कुछ भी करता है, क्या पता आज ही एक क्रिकेट टीम खड़ी हो जाए। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा अगर ऐसा किया ना तो हटो साइड से। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अब तो मजा आ गया, अभी भाई ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ दादी, दादी जो चीज हम कब से करने की कोशिश कर रहे थे अभी ने तो यूं ही कर दिया। हम सब जानते हैं कि अभी और प्रज्ञा जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर आज तो अभी ने सबके सामने ऐलान कर दिया। सही कह रहा है, असल में ये जीत प्यार की जीत और तनु की हार। वैसे सच कहूं दादी मां, तो मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। मतलब अभी सर ने जब स्टेज पे अनाउंसमेंट की थी ना, तो मुझे लगा कि कहीं शादी की बात ना कर दें, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि तनु चारों खाने चित। एक बात एक बहुत ही कमाल का आइडिया। तो बोलना दादी, आप जानती है ना कि अभी कितना हेजिटेट करता था अपने दिल की बात बोलने में, कितना शर्माता था, लेकिन भांग के नशे में आके उसने सब कुछ बोल डाला। तो अगर यही भांग तनु को पिला दी जाए तो समझ गया पूरा भाई, एकदम समझ गया। क्या समझ गया, मुझे भी तो समझा। अरे यही दादी माँ की, अगर हम तनु को भांग पिला दें तो उसके अंदर का जो सीक्रेट है ना वो अपने अंदर रख नहीं पाएगी और अपना सच सबके सामने उगल देगी। नहीं बिल्कुल नहीं, हम तनु को भांग नहीं पिला सकते। अरे दादी बिल्कुल पिला सकते हैं, बहुत आसान है, मैं पिला दूंगा। अरे बेवकूफ, उसको भांग नहीं पिला सकते का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसको भांग नहीं पिला सकते। भांग के नशे में थोड़ा नहीं कुछ ना, वो तो नेचुरल ड्रिंक है, और वैसे भी इस औरत के अंदर इतना जहर भरा पड़ा हो उसे तो जहर भी पिला दो ना तो ऊपर वाला सारे गुनाह माफ कर देगा। और तो रहन दे, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो हम तनु को भांग नहीं पिलाएंगे। और फिर पुत्र, नशा तो नशा होता है ना, अपना काम निकालने के लिए हम एक मासूम की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम भी तनु की तरह करने लगे तो हमारे और उसमें फर्क क्या रह जाए। दादी ठीक कह रही है, दादी हम तनु को भांग नहीं पिलाएंगे, लेकिन हम उससे डराएंगे और इतना डराएंगे दादी कि डर के मारे वो सब कुछ सच बोल देंगे। भाभी, क्या है? एक मिनट इधर आइए प्लीज। क्या है, जल्दी बोलो ना, मैं राज को ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कहीं राज को देखा है? भाभी वो तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, मुझे पहले प्लीज ये बताइए आपको रोनी दिख रहा है? कहाँ? ये वहां के, तुमने भांग वांग तो नहीं पी ली है? मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं मैंने अभी से वहाँ पर वहीं पे था। तुम्हें दिख रहा है ना तो तुम देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं रात को ढूंढने जा रही हूँ। तनु सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और तुम्हें एक बात बताओ मुझे, तुम रोनी को तो तुम पसंद भी नहीं करती, उसको देख के तुम इतना डर क्यों रही हो? पहले निखिल को नहीं दिखाई दिया,
फिर पूरा और मिताली भाभी को भी नहीं दिखाई दिया। मतलब वो मुझसे बदला लेने आया है और वो मुझे सबके सामने मार सकता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे निखिल से बात करनी होगी, किसी तरह से उसे यकीन दिलाना होगा कि रोनी वापस आ गया। अरे सुनो। जी सर। ये ठंडाई है कि भांग है? इन ग्लास में सिर्फ ठंडाई है और इनमें भांग वाली ठंडाई है। ये निखिल है कहाँ? जिसे ढूंढ रही वो दिखाई नहीं दे रहा और जिसे देखना नहीं चाहती वो हर जगह दिखाई दे रहा है। Excuse me. अच्छा पैसे दो, जाओ यहाँ से। ए, सुनो, एक बात बताओ, उन्होंने जो पिया है उसमें क्या भांग मिली थी या नॉर्मल ठंडाई है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उन्हें कुछ कहता उससे पहले उन्होंने भांग वाली ठंडाई पी ली, वो भी दो ग्लास पिया। भूख भी लगी है, कुछ मीठा खा लेती हूँ। आज कैसे? दादी को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा होंगी। आकाश तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं दादी को लेकर आ रहा हूँ। आइए आइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए। अरे यहाँ बैठ जाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ एवरीवन। बहुत मजा आ रहा है। तुम खुश हो? Yes. मैं आती टेंशन में और तुम खुश क्यों हो? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? किस बात का टेंशन है तुम्हें? भैया जल्दी से एक नींबू पानी लेकर आओ। दादी उनकी हालत तो बहुत। अगर मुझे ना भूत दिखा। तुम पागल लग रहे हो? ये भूत भूत की बातें मेरे सामने क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है मुझे भूत से डर लगता है। भूत दिख रहा है कहीं और जाकर देखो ना। ढूंढ रहे पर मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे किसे ढूंढ रही हो? भूत भगाने वाले बाबा को, मोगेम्बो को? सर नहीं बाबा। मैं होने वाले बच्चे के पापा को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मेरे पेट में जो बच्चा है वो तो मेरा है। कैसे हो सकता है? अभी तुम्हारे मुझसे भी शादी हुई है क्या? नहीं ना। तुम शादी के बाद इस बच्चे के डैडी बन। मैं शादी से पहले वाले डैडी को ढूंढू। जरूर फिर तुम्हारे होने वाले बच्चे के दादा के बेटे को ढूंढते। दादा के बेटे को? अरे वो छोड़ो कैलकुलेशन, तुम एक काम करो, तुम उस तरफ ढूंढो और मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। चलो मिशन डैडी ढूंढो स्टार्ट। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैच चल रहा है चीटियों का। मैच? अरे सामने मैच चल रही है, आप बैठ कर देखो वरना हटो यार सामने से। ओके। दिखाई नहीं दे रहा। अरे दूरबीन लगा कर देखो, सब दिख जाएगा। तुम यहाँ बैठो ना, पीछे कहाँ आ रही हो तुम? बैठो इधर और देखो वापस और देखना, मेरी वाली चींटी जीतेगी। नहीं, मेरी वाली जीतेगी। मार उसे, मार, गिरा दे। पूरा
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।